स्वराना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग सॉल्यूशन। आज हम बनाएंगे एक काढ़ा जो कि सर्दी खांसी और जुकाम में काफ़ी फायदेमंद है। पिछले दिनों इसे हमने आजमाया भी है और ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है, तो इसीलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसमें मैंने घर में ही मिलने वाली, अपने किचन में मिलने वाली कुछ चीज़ों को यूज़ किया है, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें जो है सर्दी खांसी और जुकाम में असरदार होती है। इसके अलावा मैंने यूज़ किया है हरी इलायची को, ये भी काफ़ी असरदार है। तो सर्दी खांसी और जुकाम के अलावा इनके और भी फायदे हैं, जैसे कि दालचीनी जो है बुखार से लड़ने में असरदार है, काली मिर्च जो है ब्रोंकाइटिस में यूज़ होती है, फेफड़ों में जमे हुए कफ को निकालती है, हल्दी जो है एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, अजवाइन जो है हमारी भूख को बढ़ाती है, डाइजेशन को ठीक करती है, और इलायची जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को दूर करती है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमने पैन रख दिया है और एक ग्लास काढ़े के लिए हमें 1.5 ग्लास पानी चाहिए, तो इस ग्लास के हिसाब से हम 1.5 ग्लास पानी इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ पर 3 ग्लास काढ़ा बनाना है तो और पानी डाल देंगे हम इसमें। पैन में हमने 4.5 ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे दालचीनी। यहाँ पर 3 ग्लास के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 इंच के करीब दालचीनी ली है। हर एक ग्लास के लिए 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 टुकड़े लिए हैं। अब 1 ग्लास के लिए हमें 5 लौंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 15 लौंग ली है। अब हमें 1 ग्लास के लिए काली मिर्च जो है वो 5 चाहिए, 4 या 5, तो हमने यहाँ पर 15 काली मिर्च ली है। और अजवाइन हमें 1 टीस्पून चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून जो है अजवाइन ली है। और हमने यहाँ पर जो है हरी इलायची ली है 4, ताकि जो काढ़े में है अच्छा सा स्वाद आ जाए। और यहाँ पर हमने 3 पिंच जो है हल्दी ली है, ज़्यादा नहीं डालनी हमने, 3 पिंच, 3 ग्लास बनाना है तो 3 पिंच हमने हल्दी डाल दी है। अब गैस को हम ऑन करेंगे। इसको हमने धीमे आंच पे उबालना है और 1.5 ग्लास का ये 1 ग्लास बचना चाहिए, तब तक इसे हमने उबालना है। काढ़ा बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं काढ़ा कितना कम रह गया है, ये बिल्कुल 3 ग्लास होगा। हमने 4.5 ग्लास यहाँ पे पानी डाला था 3 ग्लास काढ़ा बनाने के लिए, तो 1 ग्लास के लिए हमने 1.5 ग्लास पानी लेना है, इतना हमने ध्यान रखना है। अब काढ़ा हम छान लेंगे। गरम गरम काढ़ा हमने कप्स में निकाल लिया है। अब आप 1 ग्लास काढ़े को 3 बार में पी सकते हैं, या 2 बार में पी सकते हैं, या 1 बार में पी सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। इस काढ़े को हमने 3 दिन के लिए ट्राई किया था 1 ग्लास के हिसाब से, गले में काफ़ी आराम मिला था, आप अपने हिसाब से इसे ट्राई कर सकते हैं। इस समय आप इस काढ़े को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Oh,